आज अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमान। सामने आई सुकून देने वाली तस्वीरें। अंबाला में राफेल के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे वायुसेना प्रमुख। राफेल लेकर आ रहे पायलटों से भी करेंगे मुलाकात। राफेल की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लगाई गई। किसी भी तरह की वीडियो या फिर फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को बनाया गया नो ड्रोन जोन। उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अगर आज अंबाला में मौसम सही नहीं रहा तो जोधपुर एयरबेस पर उतरेंगे राफेल। सुशांत सुसाइड केस में नया मोड़। पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज करवाया। 15 करोड़ की हेराफेरी का इल्जाम। सुशांत के पिता ने रिया पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरे बेटे को धोखा दिया और पैसे हड़प लिए। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को परिवार से काटने का आरोप। जबरन मोबाइल का सिम बदलने का भी इल्जाम। पिता बोले, रिया ने कर्मचारियों को भी बदला। पिता के मुताबिक रिया से मुलाकात से पहले मानसिक तौर पर फिट थे सुशांत। नए प्रोजेक्ट नहीं लेने का दबाव बनाती थी गर्लफ्रेंड। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर भी उठाए सवाल। पटना पुलिस ने महानगरी भेजी 4 अधिकारियों की टीम। कांग्रेस में शामिल 6 BSP MLA को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर आज हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। बीजेपी विधायक ने दायर की है याचिका। राजस्थान के सियासी संग्राम में मायावती की एंट्री। 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ कल हाईकोर्ट में याचिका देंगी BSP। प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए BSP पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता ने पार्टी की मदद के लिए जारी किया है व्हिप। अशोक गहलोत ने राज्यपाल को फिर भेजा विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव। कैबिनेट की बैठक में तैयार किए गए गवर्नर के सभी सवालों के जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट में वकील ने दायर की याचिका। राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने की मांग। सत्र न बुलाने को बताया संविधान का उल्लंघन। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए केस। 15 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 600 से ज्यादा लोगों की मौत। 33,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 7700 नए केस। 3,83,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 14,000 लोग गंवा चुके अपनी जान। तमिलनाडु में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। करीब 7,000 नए मामले। कुल केस 2,27,000 के पार। कर्नाटक में भी कोरोना की मार जारी। 5,500 नए मामले। 24 घंटे में 102 मौत। राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर जारी है सियासत। ओवैसी बोले, संवैधानिक शपथ का होगा उल्लंघन। उनकी सरकार का कोई मजहब नहीं हो सकता। इंडिविजुअली प्रधानमंत्री का रिलीजन हम जानते हैं, मगर क्या देश के गवर्नमेंट का कोई रिलीजन होगा? नहीं हो सकता, इसलिए संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। ओवैसी पर बीजेपी का पलटवार। शाहनवाज हुसैन बोले, सियासत बंद करें AIMM अध्यक्ष। किसी मुद्दों पर कोई तनाव नहीं। ओवैसी जानबूझकर तनाव पैदा करना चाहते हैं, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी के बहाने बीजेपी ने उद्धव पर किया वार। फडणवीस बोले, एक ही सुर में बोल रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और AIMM के अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।